तेरी नफरत भले। हम यूनिवर्सिटी जाकर ना बहुत एंजॉय करेंगे, और क्या पता हमें यूनिवर्सिटी में कोई हैंडसम लड़का मिल जाए। कहानियों में ऐसे ही तो होता है, फिर वो हमारे घर प्रपोजल भेजेगा। वाह भाई, मजा ही आ जाएगा। कहानियों में ना और हकीकी जिंदगी में फर्क होता है। ये तो है, लेकिन हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी बहुत करेंगे। अब यही तो दिन होते हैं, और फिर भी बंदा क्या ही करेगा घर में, हर वक्त काम 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 सुबह शाम। मैंने तो शॉपिंग भी कर ली है, कपड़े भी बनवा लिए। इतनी जल्दी शॉपिंग भी कर ली, सब कुछ ले लिया? वाह भाई, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं लिया। कैसे लूं, घर के खर्चे ही नहीं खत्म होते। हम मिडिल क्लास लोगों को ना हर चीज में समझौता करना पड़ता। ज़ेबो, तुम्हारी दोस्त के लिए समोसे लेकर आया था, किचन में रख रहा हूँ, उसको चाय के साथ खिला देना। वाह भाई, हमारे घर तो ऐसे कजन्स नहीं होते। मैं तो चाहती थी कि मेरा ऐसा कजन हो। हमारे जैसे लोग कम ही होते हैं, है ना ज़ेबो? इस बात से तो मैं इत्तेफाक करती हूँ। अच्छा, वो हलवा भी बना देना, चाय का मजा दोबाला हो जाएगा। बना दूंगी भाई। अच्छा, वो मेरी चाय मेरे कमरे में रख देना। हमारा कजन तो बिल्कुल हीरो लगता है। अच्छा, खैर तुम बैठो, मैं चाय और समोसे लेके आती हूँ, ठीक है? जल्दी लेकर आना। तेवीना ने मुझसे ज़ेबो की शादी की बात की थी। मैंने कहा बच्ची है अभी वो, उसकी तालीम मुकम्मल हो जाए उसके बाद ही उसकी शादी होगी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लड़कियों को पहले पढ़ना चाहिए, तालीम मुकम्मल करनी चाहिए, शादी तो किसी भी वक्त हो सकती है। मैं सोच रही थी फयाज, माशाल्लाह हमारे दो बेटे हैं, किसी एक से ज़ेबू की शादी ना कर दें, आरिज या फवाद में से किसी को चुन लेते हैं, नहीं? देखो अभी अभी उसकी जॉब हुई है आरिज की, और फवाद तो पढ़ रहे, मेरा ख्याल है ये वक्त इन बातों के लिए मुनासिब नहीं है। पहले इन बच्चों को पढ़ने दो, अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, और आरिज की तरक्की भी हो जाएगी, और फिर फैसला कर लेंगे। जल्दी किया और जल्दबाजी के फैसले वैसे भी ठीक नहीं होते। ये भी ठीक है सफीना, आजकल के लड़के लड़कियां सारे फैसले अपनी मर्जी से करते हैं। ये वो दौर नहीं रहा जब माँ बाप अपने फैसले अपनी औलाद पर मुसलत कर देते थे। फवाद और आरिज को अपनी मर्जी से फैसला करने दें, हमें किसी पर दबाव नहीं डालना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि ज़ेबो भी अपनी मर्जी का फैसला करे। मगर वालदेन के भी तो कुछ अरमान होते हैं ना। मगर जिसकी शादी होनी है मर्जी भी उसी की होनी चाहिए। ये वक्त अभी इन बातों के लिए मुनासिब नहीं है, ये फैसला वक्त पर छोड़ देना चाहिए। जहां जिसकी किस्मत होगी वहीं उसका रिश्ता तय हो जाएगा। वैसे खाला, आपके आने से रौनक बहुत हो गई है, वरना ये लोग तो इतने बोरिंग है, इस टाइम पे सो रहे होते हैं। अच्छा अब तुम लोग जाके सो जाओ, सुबह अपने कामों पर जाना है। देर से सो गए तो सुबह आंख नहीं खुलेगी और खाम खा काम का हर्ज होगा। खाला, आपके आने की खुशी में किसी को नींद ही नहीं आ रही, यहाँ से उठने का दिल ही नहीं चाह रहा। बेटा मेरी दुआ है इस घर और खानदान में हमेशा मोहब्बत और इत्तेफाक कायम रहे, क्योंकि जहाँ लोग मोहब्बत और इत्तेफाक से मिलजुल कर रहते हैं ना, वहाँ कभी जवाल नहीं आ सकता और बरकतें भी हमेशा कायम रहती हैं। वैसे काफी हैरत की बात है, सारी जिंदगी हमने पढ़ा है कि इत्तेफाक में बरकत है, लेकिन इंसान इस जुमले को समझा नहीं, सिर्फ लड़ाई झगड़ों और मवाजनों में उलझता रहता है। बस बेटा ये तो अपनी अपनी सोच पे मुनासिर है ना। वैसे भी जहाँ इतनी मोहब्बत हो ना, वहाँ नफरत अपनी जगह नहीं बना सकती, और तुम सब लोग तो मुझे वैसे भी अपनी औलाद की तरह अजीज हो। मगर ज़ेबू आपको हम सबसे ज्यादा प्यारी है, ये तो हम सब जानते हैं। हाँ, ज़ेबू की तो बात ही अलग है। वो तो है, और वैसे भी हर इंसान की अपनी अहमियत होती है। अरे
तुम लोग अभी तक जाग रहे हो? अम्मी देख नहीं रही महफिल जमी हुई है? वो तो ठीक है, लेकिन सुबह ऑफिस नहीं जाना, आंख नहीं खुलेगी। चलो उठो सो। जा रहे हैं अम्मी, खाला के साथ बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। इतने अरसे बाद जो आई है खाला। देखा खाला अम्मी, अच्छा हुआ ना कि हमने आपको रोक लिया, वरना आप तो घर जाने वाली थी। इसीलिए तो कहते हैं कि कभी कभी बच्चों की बात मान लेनी चाहिए। अच्छा अब हो गया ना, बाकी बातें कल कर लेना। उठ जाओ, शाबाश। ऑर्डर दे दिया। चले। चलो जी, बाकी की बातें कल करेंगे। बेटा हम रजिया के घर जा रहे हैं, चलो हमारे साथ। मैं क्या करूंगी वहां पे, आप लोग जाएं, मैं घर पर रहूंगी। आपा जेबू तो कहीं आती जाती ही नहीं है। आपको पता है सब रिश्तेदार यही गिला करते हैं कि जेबू किसी के हाँ नहीं जाती। चलो जैसे इसकी मर्जी। अच्छा खाला, ये सूट मैंने आपका इस्तरी कर दिया। अच्छा बेटा, हम ना जल्दी आ जाएंगे, अब रिश्तेदारों से मिलना जुलना तो होता ही है। मैं यहाँ आती हूँ तो आपा के साथ ही कहीं निकलती हूँ, वरना अकेले तो मेरा कहीं आना जाना ही नहीं होता। आप लोग इत्मीनान से जाएं, मैं घर पर रहूंगी, कोई फिक्र की बात नहीं है। अच्छा ठीक है ना, खुश है बच्ची इसी तरह तो ठीक है। हाँ आपा, वैसे भी जेबू की हम उम्र तो वहाँ कोई है ही नहीं, ये जाएगी तो बोर ही हो जाएगी। ठीक है चलो, तुम फिर तैयार हो जाओ ना। हाँ लाओ बेटा। अरे आज जल्दी कैसे आ गए? बस यूं ही, कहाँ है सब? दोनों खालाएं रजिया आंटी के घर गई हैं, लेकिन आ जाएंगी जल्दी। मैं भी क्यों घर में इतनी खामोशी क्यों? खाना खाओगे? नहीं। चाय? कुछ भी नहीं, कुछ चाहिए होगा तो खुद बता दो। ठीक है। सेबू? हाँ, कोई काम था? कोई काम तो नहीं, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। कहो। तुम्हारे लिए एक तोहफा लेके आया। तोहफा? लेकिन आज तो मेरी सालगिरह नहीं है। जरूरी तो नहीं कि किसी खास दिन पे ही तोहफा दिया जाए, तोहफा तो कभी भी दिया जा सकता है। ये देखो तुम्हारी लिए लाया। ये तो बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। यू वेलकम। लेकिन तुम ये क्यों लाए? सेबू मैं। हाँ बोलो। सेबू मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बल्कि तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो आरिस? सेबू बहुत हिम्मत करके तुमसे ये बात कर रहा हूं।
से मोहब्बत करता हूँ, उन्हें अपनाना चाहता हूँ। न जाने कब कैसे उससे इतनी मोहब्बत हो गई, अगर मोहब्बत अपना रास्ता खुद ढूंढ रही थी। शायद खाला और अम्मी आया, मैं जाकर देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज जल्दी आ गए तुम ऑफिस से? जी अम्मी, आज जल्दी आ गया, मैंने शॉर्ट लीव ले ली थी। अच्छा, आप लोग रजिया आंटी के घर गए थे? हाँ बेटा, मैं जब यहाँ आती हूँ तो सफीना के साथ रिश्तेदारों से भी मिलना जुलना हो जाता है। ठीक है ना, रिश्तेदारों से, जानने वालों से मिलते जुलते रहना चाहिए। ये बताओ, जेबू कहाँ है? वो अपने कमरे में है। अच्छा चलो, जेबू बेटा कहाँ हो, आ जाओ। बेटा ये मैंने कहा था ना साथ चलो, रजिया पूछ रही थी तुम्हारा। अगली दफा साथ चली जाऊंगी। इतने अरसे बाद रजिया के घर जाना हुआ, वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। अपन, मैं तो कहता हूँ खाला कि आप मुस्तकिल तौर पर हमारे पास आ जाएं, अपना पोर्शन किराए पे चढ़ा दें, किराया भी आता रहेगा और हम सब मिलजुल कर रहेंगे। मैं इतनी मर्तबा तमीना से यही बात कह चुकी हूँ। खाला पहले की बात और थी, अब आपके लिए भी अकेला रहना मुश्किल होगा। हाँ लेकिन बेटा, तुम्हारी खाला को मुश्किलात का मुकाबला करना आ गया है। तैमीना से बातों में कोई नहीं जीत सकता। जेबू, जेबू। जी खाला। खाना बना लिया? जी खाना बन गया और किचन के सारे काम हो गए। हाँ भाई, हमारी जेबू तो है ही सुगढ़ और अकलमंद। आपा ये जिस घर में भी जाएगी ना, उजाला कर देगी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मकान को घर बनाने का हुनर जानते हैं। लेकिन हालांकि मैं तो हमेशा आपके पास रहूंगी। मेरी जान है ना पगली, तुम्हें याद है हमारी समीना भी इसी तरह की बातें किया करती है ना? वो भी पगली ही थी। अम्मी, अब हम वापस चलते हैं। क्यों, अचानक वापस जाने का ख्याल कैसे आ गया तुम्हें? बस यूं ही, यहाँ रौनक तो बहुत है लेकिन पता नहीं क्यों मुझे खामोशी की आदत है। मुझे पता है बेटा, तुम रजिया के घर क्यों नहीं गई थी? मैंने तुम्हें माँ बनकर पाला, तुम्हारी हर आदत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तुम लोगों की बातों से घबराती हो ना, लोग हमेशा सिकंदर के बारे में बात करते हैं कि वो क्यों नहीं लौट कर वापस आया। बेटा क्यों परवाह करती हो लोगों की? लोगों की बातों से घबराया नहीं करते मेरी जान। इसीलिए तो मुझे खामोशी अच्छी लगती है। खामोशी किसी से सवाल नहीं पूछती, खामोशी किसी से जवाब नहीं मांगती। बेटा ये सब लोग तुम्हारे अपने हैं, हम दर्दी में तुमसे बात करते हैं, इनका मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं है। ये सब लोग तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं। हम दर्दी दिल पर मरहम नहीं रखती, बल्कि जख्मों को ताजा कर देती है। मुझे नफरत है लोगों की हमदर्दी से। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, चले जाएंगे वापस अपने घर।
वैसे भी हम यहाँ सदा रहने के लिए तो नहीं आए थे ना, और फिर अपना घर तो अपना ही होता है। अपने घर की याद ही तो ज्यादा देर कहीं टिकने नहीं देती। ऐसा ही है। अरे आरेश बेटा, वहां क्यों खड़े हो? आ जाओ हमारे पास बैठो। खाला वो मैं मार्केट जा रहा था, सोचा आपसे पूछ लूं आपको कुछ चाहिए। अरे नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया। सेबू तुम हमें कुछ चाहिए? नहीं। सोच लो। हाँ सोच लिया, सोच कर ही बता दूं। अच्छा बेटा, अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद तुमसे कह दूंगी। ठीक है खाला, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अच्छा बेटे, अब रिलैक्स हो जाओ ना, मैंने कह दिया कि वापस चले जाएंगे। तेमीना और जेबू वापस जा रही है। प्रियम भाई, इतनी जल्दी वापस जाने की क्या जरूरत है? अभी तो जेबू ने अपने हाथ के पके हुए बहुत सारे खाने खिलाने। क्यों, रोजाना यही तो खाना पकाती है? अगर दिल थोड़ी ना भरा है, अभी तो बहुत सारी डिशेज रहती है, चाइनीज, इटालियन वगैरह वगैरह। खाला भी दिन ही कितने हुए हैं आपको आए, कुछ दिन तो और रुक जाए। बेटा तुम लोगों की खातिर तो इतने दिन से रुकी हुई हूँ, फिर आ जाऊंगी। इतने दिनों से घर बंद पड़ा हुआ है, हर चीज पर धूल मिट्टी जमी होगी, अब जाके अपना घर बार भी तो देखना चाहिए ना, और गैस बिजली के बिल भी आए हुए होंगे। मेरा तो रिजल्ट भी आने वाला है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, बहुत से काम पड़े। बेटा आरेज और फवाद में से कोई तुम्हारे साथ चला जाएगा, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। सब जानते हैं कि हमारी जेबो बहुत काबिल और बहुत ज़हीन है। आप सब देखना, हमारी बेटी का रिजल्ट बहुत शानदार होगा। हाँ ये तो है, हमारी समीना को भी पढ़ाई का बहुत शौक था, मगर कम उम्री की शादी की वजह से पढ़ नहीं सकी। आपको तो मौका चाहिए बस समीना खाला का जिक्र करने का हर बात में। अम्मी इतने साल हो गए उनको हमसे बिछड़े, आप अभी भी खाला को याद करती हैं। बिछड़ने वाले हमारी यादों में जिंदा रहते हैं। कुछ लोगों को इंसान कभी नहीं भूल पाता, चाहे कितने ही वर्ष गुजर जाए। भाई जेबू को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके पास आप जैसी खालाएं हैं, दो दो माओं का प्यार मिला है। और हम भी तो जेबू का ख्याल रखते हैं और हमेशा रखेंगे इंशाल्लाह। पानी देना मुझे। खाने पे ध्यान दो, ये एक भी रोटी नहीं खत्म की तुमने। सेबू, सुबह वाली बात अधूरी रह गई थी, वक्त ही नहीं मिला कि मैं अपनी बात मुकम्मल कर सकता, और अधूरी बातें इंतजार को तवील कर देती। मैं वो बात सुनकर थोड़ी हैरान रह गई थी। तो क्या तुम्हारे जहन में ये बात कभी नहीं आई? नहीं। तो अब सोच लो। तुम आओ, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूं, और तुम लोग मेरे बगैर बातें क्या करते हो? तो असल में ना सेबू से एक जरूरी बात कर रहा था। हाँ कुछ बता रहे थे। अच्छा अच्छा सही है, वो खाला तुम्हें नीचे बुला रही हैं, उनकी जाके बात सुन लो। जा रही हूँ। और भाई कैसा जा रहे काम? ठीक चल रहा है, तुम बताओ। थोड़ा काम पे ध्यान दो।
फोकस तुम्हारा कहीं और ही है। जेबू ये क्या दिखाना? इतनी खूबसूरत पाजेब कहाँ से आई? ये तो बहुत कीमती लग रही है जेबू, मैंने पहले कभी नहीं देखी है। जी खाला, ये मुझे आरेज ने दिया। आरेज ने? हाँ अच्छा है, अब तो उसकी नौकरी भी लग गई है और तनख्वाह भी अच्छी है, तब को महंगे महंगे तोहफे लेकर दे सकता है। अच्छा ये लो संभालो, काफी कीमती लग रही है। जी खाला मी, मैं आरएस के साथ बाजार भी गई थी, बस मुझे खूब सारी शॉपिंग भी करा दी। अच्छा बहुत अच्छी बात है, भाई आरएस सबका बहुत ख्याल रखता है, अपनों का ख्याल रखना अच्छी आदत होती है और अच्छी आदत अच्छा इंसान होने की पहचान है। मैंने तो आरएस को मना भी किया था। ये तो उसका खुलूस है। और रुक जाओ, बहुत काम है और जाना भी जरूरी है। फिर कब आओगी? पता नहीं, देखते हैं कब आती। बहुत सी बातें अनकहीं और अधूरी रह गई। आरिज बेटा, ऑफिस से देर नहीं हो रही, तुम्हें निकलो। जी बस मैं जा रहा हूँ। खैर से जाओ, अल्लाह हाफिज। बस वो आ रही। मैं तैयार होगी? हाँ तैयार हो गई, बस आ रही। फवाद बेटा ड्राइवर को रेंट पे कर देना, खाला को ना देने पड़े पैसे। अच्छा जी अम्मी, ये बैग मुझे दे दो, मैं अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ। थैंक यू। दे दो ना, तुम्हें भी आदत है अपना काम खुद करने की। दो। हाँ मैं हूँ ना बोझ उठाने के लिए, दे दो बैग, इतनी आना भी अच्छी नहीं होती। आप भी चक्कर लगाइएगा ना मेरी तरफ। आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी। खाला मैं आपको छोड़ने जरूर आता अगर मेरी क्लास ना होती। बेटा जब तुम आओगे ना तो मैं तुम्हारे लिए बेसन का हलवा, बिरयानी और तुम्हारी पसंद के लड्डू भी बनाऊंगी। फिर तो मैं जरूर आऊंगा। अब तो ये कल ही पहुंचा होगा तुम्हारी तरफ। सही है। अच्छा चलो, भी देर हो रही है। हाँ, चलो। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। अच्छा अल्लाह हाफिज। घर तो धूल मिट्टी से अटा हुआ था। हम जब भी कहीं जाते हैं, वापस आके सफाई करते करते सारा दिन लग जाता है। इतने दिनों से घर बंद पड़ा था, इसीलिए तो मुझे किसी के घर जाके रहना मुश्किल लगता है। वो तो आरेज और फवाद ने इसरार किया, इसलिए मैं रुक गई थी। अच्छा वो नीचे वाली किराएदार आंटी आई थी, कह रही थी आज का खाना वो दे देंगी। शुक्र है हमारे किराएदार बहुत अच्छे हैं, एहसास करते हैं, ख्याल रखते हैं। अच्छे किराएदार होना भी रहमत है। शुक्र है अल्लाह का। ये लो मैडम, इसके लिए। खाला मी आप रहने दें, थक जाएंगी, सारे दिन सफाई करती रही, आप बैठ जाए आराम से। बेटा तुम भी तो कब से लगी हुई हो। मैं नहीं थकती। अच्छा बिजली का बिल भी आया हुआ है, तुम्हारे खालू की पेंशन भी आ गई होगी। मैं बैंक जाके ना पैसे ले आऊंगी, किराएदारों ने किराया भी दे दिया। शुक्र है अल्लाह का कि हमारा गुजारा हो जाता है आसानी से। अल्लाह का बड़ा करम है कि किसी इंसान की मोहताजी नहीं है हमें।
हम इस घर में कितने खुश हैं ना। यहाँ सुकून है, खुशी है, इत्मीनान से अपनी जिंदगी जी रहे। हाँ ये तो है। मेरी दुआ है कि ये सुकून और इत्मीनान सदा कायम रहे। हमारी जिंदगियों में कभी कोई तूफान ना आए। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं खाला मैं? आपको किस बात का डर है? नहीं कुछ भी तो नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक है। मैं डराती रहती हूँ। तो? अम्मा ने खीर बनाई थी, कहने लगी आपके यहाँ दे आऊं। अपनी अम्मा को थैंक यू कह देना। वैसे खीर मैंने बनाई है। बहुत शुक्रिया आपका भी, नवाजिश। तुम्हारी कजिन जेबू नहीं नजर आ रही, चली गई क्या? अभी कुछ दिन पहले तो यहीं थी। हाँ चली गई, मगर वापस आ जाएगी। तुम्हें कोई काम था उससे? नहीं, भला मुझे उससे क्या काम होगा, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। हर वक्त तो यही होती है ना, इसलिए। उसकी खाला का घर, इस घर पे पूरा हक है उसका। तुम्हें तो किसी का दिल भी नहीं रखना आता। किरण, चीप लड़की। खाला मी, मेरा रिजल्ट आ गया और देखिए मेरी फर्स्ट डिवीजन आई है। बहुत मुबारक हो बेटा, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम बहुत अच्छे नंबरों से पास होगी। तुमने मेहनत भी तो इतनी की थी ना। मेरी लाइक बेटी, अब मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी और मेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। मैं तो सारे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी, सबको पता चलना चाहिए कि मेरी लाइक फाइक जेबू ने कितनी कामयाबी हासिल की है। भाई खुशी का मौका है, खुशी का इजहार तो होना चाहिए। आप सफीना खाला को भी फोन कर दें। अरे हाँ मैं उनको फोन करूंगी तो वो भी बहुत खुश होंगी। बल्कि ऐसे करते हैं कि इस खुशी के मौके पे ना दावत का एहतमाम करते हैं। अरे खाला मी, मैंने ऐसा भी कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है? अरे मेरी जान, कोई भी कामयाबी मामूली नहीं होती, ये तो अल्लाह की नेमत होती है। मैं तुम्हारे साथ कल ही यूनिवर्सिटी जाती हूँ ताकि तुम्हारा एडमिशन हो जाए। अरे खाला मी, मैं सभा के साथ चली जाऊंगी ना। अच्छा चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं ऐसे करती हूँ, पड़ोस के लड़के को भेज के ना मिठाई मंगवा लेती हूँ और सबका खैरात भी निकालती हूँ, ठीक है? अम्मी, खीर देती हूँ अभी। अरे क्या कर रहे हो, सारी खीर तुम खा लोगे, आरएस को भी पूछ लो। अम्मी आप जानती हैं मुझे मीठा पसंद है, बवाल पेटू को खाने दे, ये वैसे भी किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करता। वैसे अम्मी खीर है तो बड़ी मजेदार। आजकल महंगाई के हालात में जो लोग दूसरों के घर खाना बनाकर भेजते हैं ना, वही सच्चे हमसाए होते हैं। अब किरण के घर भी कुछ भेजना पड़ेगा, खाली बर्तन लौटाते अच्छे थोड़ी लगेंगे। सेबू और तमीना के जाने से घर कितना वीरान लगता है, बहुत सूना सूना लग रहा है, जरा रौनक नहीं रही। तो चले चलते हैं उनके घर, ऐसी भी क्या बात है। सब्र करो, कल तो गई है, दो चार दिन गुजर जाए तो चक्कर लगा लेंगे हम। वैसे अम्मी मुझे जेबो के वालिद का समझ नहीं आता, इतना अरसा हो गया एक बार भी जेबो से मिलने नहीं आए, ऐसी भी क्या मसरूफियत। वैसे सिकंदर खालू और समीना खाला की मिस्ट्री मुझे समझ नहीं आती, खाला कैसे फौत हुई, सिकंदर खालू कहाँ चले गए और आज तक लौट कर क्यों नहीं आए, ऐसा क्या हुआ कि उनकी जिंदगी अचानक इतनी बदल गई। जेबो के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं है। समीना चली गई, वक्त और हालात बदल गए हैं बेटा, पुरानी बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं, जिंदगी को आगे चलना चाहिए ना। समीना बहुत कमजोर थी, मगर मैं जेबू को बहुत बहादुर और मजबूत देखना चाहती हूँ। अम्मी वैसे जेबू और समीना खाला में काफी फर्क है, हालात काफी बदल चुके हैं। बेटा वक्त, हालात और किस्मत कब बदल जाए किसी को पता नहीं चलता।
जेबू मैं तो इतनी खुश हूँ कि बता ही नहीं सकती। कल हम यूनिवर्सिटी जाएंगे एडमिशन के लिए। शुक्र है कॉलेज की पढ़ाई तो मुकम्मल हुई। मुझे तो कब से इस दिन का इंतजार था। बोर हो गई थी घर में। मुझे भी। मैंने यूनिवर्सिटी के लिए नया सूट भी सिलवाया है। हाँ वाह भाई तुम तो पहनना नया सूट। मेरे पास तो सब पुराने कपड़े हैं। अरे तुम तो हर सूट में बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा सुनो कल सुबह जल्दी निकलेंगे। डॉक्यूमेंट्स को भी फोटो स्टैट कराने हैं। फिर रास्ते में भी टाइम लग जाएगा। हाँ ठीक है। जेबू क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा कोई कजन हमें लेने आ जाए। देखो ना इस तरह हमें भी तो आसानी हो जाएगी। आरिज जॉब करता है और फवाद की क्लासेस होती हैं। दोनों बिजी होते हैं। बस हम दोनों चले जाएंगे कोई मसला नहीं होगा। हाँ वो तो हम चले जाएंगे। काश अम्मी जिंदा होती। तुम्हें तुम्हारी अम्मी नहीं याद आती? हाँ सब उनकी बहुत तारीफ करते हैं। कहते हैं जो उन्हें देखता था देखता ही रह जाता था। महजबीन महताब माहरुख कितने ही नाम थे उनके। हाँ तुम्हारी अम्मी तो वाकई में बहुत खूबसूरत थी। मैंने तुम्हारे कमरे में ना उनकी तस्वीर देखी है। वैसे जेबू तुमने कभी अपने अब्बू की तस्वीर नहीं दिखाई? बस यूं ही पुरानी तस्वीरें कुछ गुम हो गईं कुछ खराब हो गईं। खाला अम्मी ने अम्मी की तस्वीर संभाल कर रखी हुई थी इस वजह से मैंने फ्रेम करवा ली। अच्छा मैंने कल यूनिवर्सिटी के लिए नए इयररिंग्स भी लिए हैं वो भी पहन के आऊँ। हाँ अच्छे लगेंगे पहन लेना। ओके सो मिलते हैं। वाह भाई इसको तो मज़े हैं। थैंक यू। ये लो बेटा। यार रखो मैं लेती हूँ। मुझे तो ये लो मेरी बेटी। तुम्हारे खालू बहुत खुश हैं। पढ़ाई मुश्किल होगी ना तुम्हारी अब तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। अब तो जेबो मसरूफ भी हो जाएगी और हमारे घर आने का टाइम ही नहीं होगा उसके पास। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। हाँ बिजी तो मैं हो जाऊंगी मगर खाला के घर भी आया करूंगी। बेटा इल्म की मसरूफियत ही सबसे बेहतरीन मसरूफियत होती है। अरे आप इतनी सारी चीजें ले आई थैंक यू। मेरी जान ये सब तुम्हारा हक है। अब तुम बहुत मेहनत करो अपना कैरियर बनाओ हम सब बहुत खुश होंगे तुमसे। जेबो तुम्हारा ना एक नया रूटीन होगा। नए माहौल में होगी तुम नए नए दोस्त बनाओगे बहुत सारी नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी तुम्हें। मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी लाइफ जिंदगी का बेहतरीन वक्त होता है। हाँ भाई जेबू की तालीम मुकम्मल हो जाएगी तो जेबू भी खुश रहेगी। आपा मैंने तो सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी है और पता है सब लोग मिलने और मुबारकबाद देने आ रहे हैं। अच्छा आरेज ने आना था वो ऑफिस की मसरूफियत की वजह से नहीं आ सका। अरे मैं आ गया हूँ ना अम्मी काफी है। हाँ भाई हमारा फवाद तो किसी की कमी महसूस होने ही नहीं देता। वो क्या है ना कि मैं चाहता हूँ कि मेरी कमी भी महसूस हो और मेरी याद भी आए लोगों को। बस तुम अपनी अहमियत बनाने के चक्कर में हो। हाँ कुछ लोगों के लिए अहम बनना चाहता हूँ। अच्छा अरे बेटा तुम तो हम सब के लिए बहुत अहम हो बल्कि तुम तीनों तो मेरी औलाद की तरह हो। मैं तो जवानी में ही बेवा हो गई थी मगर तुम तीनों के सहारे ही तो मैंने जिंदगी गुजारी है। खाला आप तो महान है आपकी तो कोई मिसाल ही नहीं है ना। तो तुम ऐसा करो कि खाला पे थीसिस लिख लो।
फवाद और इसकी बातें मेरी समझ से तो बाहर है। आपा इसकी चटपटी बातें ही तो मुझे बहुत अच्छी लगती। हाँ बेटा, तुम्हें खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा आप बोलो।